नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल सिंघी है। मैं धर्म कथाएं पर लेकर आया हूं पूरे साल का वार्षिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका पूरा साल, क्या प्लानिंग करें, कैसे तैयारी करें, हम पंडित संजय शर्मा जी के साथ जानते हैं उनसे। नमस्कार, मैं पंडित संजय शर्मा, देवास मध्य प्रदेश से। मीन राशि वाले जातकों के लिए जनवरी में थोड़ी निर्णय क्षमता जो होगी वो थोड़ी सी कमज़ोर होगी, इसलिए इसको विकसित करने का प्रयास करें। आपको विवादों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। यात्रा के योग बनेंगे और यात्रा करनी भी पड़ सकती है, लेकिन भाग्य की दृष्टि से समय थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। हम फरवरी की बात करते हैं, ये समय उत्तम है, लाभदायक समय है। शत्रु आपकी उपस्थिति मात्र से जो है नष्ट होने लगेंगे और ये आपके सम्मान में बढ़ोतरी होने के संकेत बताता है, जो आपके व्यापार व्यवसाय और नौकरी को आगे ले जाएंगे। हम मार्च की बात करते हैं, आपके जो जनसंपर्क हैं उनका आपको लाभ मिलेगा, जो आपके लिए कार्यक्षेत्र में सम्मान दिलाने वाला होगा। आपके कार्यक्षेत्र चाहे वो व्यापार व्यवसाय या नौकरी कुछ भी हो, वो आपके लिए सम्मान दिलाने वाला होगा। शत्रु पक्ष यहाँ पर निर्बल रहेंगे, लंबी यात्राओं के योग हैं और वो आप करेंगे भी। आपकी हंसमुख प्रवृत्ति है उसे बनाए रखिए, ये आपके लिए उत्तम होगा। हम अप्रैल की बात करते हैं, आपको आपके जनसंपर्कों का लाभ मिलेगा, भाग्य अचानक से करवट लेगा और उसमें उछाल आएगा। आप यदि किसी नशे की आदत से जुड़े हुए हैं तो कृपया उसे छोड़ दीजिए, इससे बचना चाहिए आपको। आपके शत्रु या विरोधी या कॉम्पिटिटर्स जो होंगे वो इस समय थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। मई की बात करते हैं, आपकी जो बातचीत की शैली है उससे आपको लाभ होगा, आप उससे अपने काम बना लेंगे। आपके छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे, उनके मदद से आपका काम बन जाएगा। तकनीकी कार्य या कंप्यूटर से जुड़े हुए कार्य करने वाले लोगों के लिए समय लाभकारी है। हम जून की बात करते हैं, भवन और वाहन से जुड़े हुए यदि आप कोई कार्य आपके मन में बचा हुआ है या ये आप चाहते हैं कि ये हो जाए, तो उसके इस समय पे पूर्ण योग बन रहे हैं, वो इस समय सफल हो सकते हैं। और इसमें आप कोई लोन भी ले सकते हैं, लोन की सहायता से इसमें सफलता मिलेगी। हाँ, इस समय आपको अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार के विवाद को टालना चाहिए। जुलाई की बात करते हैं, यह समय प्रेम में सफलता देने वाला है, रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ाने वाला है। भाग्य के हिसाब से ये समय अनुकूल है, ये लाभदायक समय है। इस समय अनिर्णय की स्थिति से आप बचें, यदि हो सके तो किसी बड़े की सलाह लें, किसी अपने मित्र की सलाह लें, अपने जीवन साथी की सलाह लें और उसकी स्थिति से काम करें। उस स्थिति से आप काम करेंगे तो ये निर्णय लेने में आपकी मदद करेगा। हम अगस्त की बात करते हैं, यदि हम राजनीति से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो राजनीति से जुड़े हुए लोगों को इस समय सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्य यदि आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका धन व्यय हो सकता है। जनसंपर्क से आपको लाभ होगा, जो आपके लिए प्रतिष्ठाकारी होगा। ये व्यापार व्यवसाय और नौकरी में बढ़ोतरी करने वाला होगा और आपके सम्मान में बढ़ोतरी करने वाला होगा। सम्मान में बढ़ोतरी यदि आप बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आपको प्रमोशन मिलने के संकेत बताता है। सितंबर की बात करते हैं, जीवन साथी से आपके संबंध सुधरेंगे और वो मधुर रहेंगे। आप अपने कुल का नाम रोशन करने वाला कोई काम करेंगे जिससे आपका कुल जो है अपने गर्व की अनुभूति करेगा। हाँ, इस समय आपको थोड़ा क्रोध से बचना होगा और अनावश्यक क्रोध को टाल दें। अक्टूबर की बात करते हैं, राजनीतिक से जुड़े हुए लोगों को अपने संबंधों से सफलता मिलेगी और उससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं और उसकी योजना बना रहे हैं तो वो बनेगी और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या उससे जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो इसे आपको सफलता मिलने के संकेत देता है। हम नवंबर की बात करते हैं, यह समय सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, जो आपके नौकरी व्यापार व्यवसाय इसमें सफलता देने वाला होगा।
आपके पिता से मतभेद आपके सामने आ सकते हैं, आप मतभेद को टालें और उनका आशीर्वाद लें। पैरों में तकलीफ हो सकती है, यदि आप कोई यात्रा करना चाहते हैं और वो धार्मिक है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, ये यात्रा होने के इसके अंदर अवसर आ रहे हैं। दिसंबर की बात करते हैं, दिसंबर के अंदर राजनीति के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलने वाला समय है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला समय है, पैरों के लिए कष्टकारी समय है। लेकिन यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो इसके अंदर आपको सफलता मिलेगी जो आपकी, और यदि आप सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी नौकरी या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो उस क्षेत्र में सफलता के संकेत देता है।